हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इस यूट्यूब वीडियो सीरीज के अंदर हम स्टडी मैट में जो चैप्टर नंबर 13 है, जहां पर 19 के स्टडी के क्वेश्चन है, उनको डीपली डिटेल्ड में यहां पर हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, आज के स्टडी नंबर 4 से हम शुरुआत करेंगे। तो अगर आप इस यूट्यूब वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो को देखना। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले 2 लेक्चर्स देख सकते हैं और चाहे तो यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको 100% यहां से समझ में आने वाला है। तो ये कर रहे हैं हम स्टडी मैट से। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि स्टडी मैट निकाल लीजिए, स्टडी मैट, और पेज नंबर है आपका 13.14। इस वीडियोस के अंदर हम इस बात को समझा रहे हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से आपको केस स्टडी के क्वेश्चन के ऊपर अटैक करना है। हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्स रीडिंग टेक्निक, यानी कि केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ो। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है और स्टूडेंट आंसर कुछ और लिखकर आ जाता है, ऐसे में नंबर तो मिलेंगे नहीं। तो बेहतर है कि पहले केस स्टडी के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया जाए। भाई एक बार जब भी मालूम पड़ जाए कि क्वेश्चन हमसे किन बातों पर जवाब चाहता है तो हम केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ते वक्त उस बात को ध्यान में रखेंगे, मन में रखेंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त वहीं से उन बातों को निकालने की कोशिश करेंगे। इश्यूज क्या है, फिर सॉल्यूशन क्या है, तो ये केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हम ध्यान में रखेंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स रीडिंग टेक्निक। केस स्टडी नंबर 4 है। देखो एग्जाम के अंदर ऐसी हेडिंग तो आपको मिलने वाली है नहीं, आपको बुक में दिख रहा है पॉटर्स 5 फोर्सेस एंड डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, बट आपको बता दूं एग्जाम के अंदर भाई साहब आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यानी आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये केस स्टडी का क्वेश्चन किस चैप्टर से है और कौन से वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहां पर आपको मदद करेगी रिवर्स रीडिंग टेक्निक, यानी क्वेश्चन को उल्टा पढ़ें, सबसे पहले पढ़ें उसकी रिक्वायरमेंट, उसके बाद पढ़ें क्वेश्चन को। चलो इसकी पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। देखो आपको पहली बात तो बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, सर केस स्टडी का क्वेश्चन इतना छोटा? हाँ जी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अगर लाइनें गिनूं तो 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 लाइन में पूरा केस स्टडी का क्वेश्चन है ये। और एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि केस स्टडी के क्वेश्चन 3, 3.5, 4 पेज तक आए हैं, 4-4 पेज के केस स्टडी के क्वेश्चन। अब ऐसे में होता क्या है, स्टूडेंट के मन में एक डर आ जाता है क्वेश्चन की लेंथ को देखकर, उसे लगता है इतना लंबा क्वेश्चन भाई ये तो नहीं हो पाएगा, और ये जो फीलिंग है ना कि ये तो नहीं हो पाएगा बस काम खराब कर देती है और फिर वाकई में नहीं होता वो क्वेश्चन। ऐसे में करना क्या है, क्वेश्चन कितना भी लंबा हो कितना भी छोटा हो कुछ भी हो यार क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद मन ही मन सोचेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, इसकी मतलब क्या चीज मांग रहा है, हमसे सॉल्यूशन मांग रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट मांग रहा है, इश्यू सॉल्व निकालने के लिए मांग रहा है कि चाहता क्या हमसे। दूसरी बात ये किस चैप्टर से है, हाँ रिक्वायरमेंट पढ़ के सोचना पड़ेगा ये किस चैप्टर से है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब चाहे वो 3 पेज का हो चाहे वो 4 पेज का हो फिर हम पढ़ेंगे आराम आराम से, लेकिन ध्यान देना एक बार रिक्वायरमेंट को पढ़ लेने के बाद ना आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना आपको पता पड़ जाएगा कौन सी लाइन एमए लिखी पड़ी है और कौन सी लाइन काम की है, कौन सी लाइन एमए लिखी पड़ी है कौन सी लाइन काम की है। जो लाइन काम की है सॉल्यूशन लिखते वक्त उसका इस्तेमाल होगा, और जो लाइन ऐसी ही एमए लिखी हुई है उसको चाहो तो क्रॉस भी कर दो, लेकिन वो देखना आपको है कि आप कैसे क्रॉस करना चाहते हो या फिर अंडरलाइन करना चाहते हो, आपकी मर्जी है वो। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं इसके, एक्सप्लेन हाउ द फोर्सेस अप्लाइड इन रिलेशन बिटवीन सप्लायर एंड बायर लेड माइकल पॉटर टू रीच ए कंक्लूजन दैट कंपनीज कंपीट विद देयर बायर्स एंड सप्लायर्स। इसने कहा एक तो माइकल पॉटर, नाम तो याद आ गया होगा आपको, माइकल पॉटर बड़े ही गुणी व्यक्ति है माइकल पॉटर, इन्होंने भी बिजनेस से संबंधित ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखी है और इन बातों को फॉलो करती हैं एमएनसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां।
हाँ छोटे मोटे व्यापारी जो होते हैं ना वो इसे फॉलो नहीं करते। रीजन क्या, उनको पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है सिद्धांत क्या है बिजनेस के। भाई कोई भी काम करना हो तो उस काम के सिद्धांत पहले पता होने चाहिए। जैसे बचपन में जब कोई भी गेम खेलते हैं तो पहले गेम के रूल पता करते हैं ना कि भाई इस गेम में क्या क्या रूल्स, बताओ जरा। अगर क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो पहले रूल्स सेट किए जाते हैं उसके बाद गेम खेला जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कहूंगा बल्कि, काफी सारे बिजनेस करने वाले लोग इन सिद्धांतों को नहीं जानते। ऐसे में ये बड़ी बड़ी कंपनीज वाले कैसे इंप्लॉय कर लेते हैं सिद्धांतों को? तो रीजन है प्रोफेशनल। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं सिद्धांतों को, कल को जब आप किसी बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर आप उनकी हेल्प करेंगे इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने में। तो मिस्टर माइकल पॉटर बिजनेस की दुनिया के बहुत ही गुणी व्यक्ति। तो यहां पर एक शब्द आया, माइकल पॉटर। दूसरा शब्द आया, फोर्सेस। अगर इन दो शब्दों को आपस में मिलाकर मैं सोचूं तो मेरे मन में यह जवाब आना चाहिए कि ये माइकल पॉटर के फाइव फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है। फाइव फोर्सेस, माइकल पॉटर के इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में बात कर रहा है। हाँ, स्टडी मैट का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट। हाँ जी, याद आ गया, मिस्टर माइकल पॉटर ने 5 सिद्धांत बताए थे और बोला था बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है इस बात को चेक कर लो एक्चुअल बिजनेस को करने से पहले। और यहां पर बात की गई है 2 फोर्सेस की, ध्यान देना जरा। एक्सप्लेन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करो हाउ, कैसे, हाउ द फोर्सेस अप्लाइड इन रिलेशन बिटवीन सप्लायर एंड बायर लेड माइकल पॉटर टू रीच ए कंक्लूजन दैट कंपनीज कॉम्पीट विद देयर बायर्स एंड सप्लायर। कुल मिलाकर बात यह है कि मिस्टर माइकल पॉटर ने 5 फोर्सेस की बात की है, 5 पॉइंट्स बताए हैं, उनमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स की यह क्वेश्चन बात करता है। एक तो बायर और एक सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बस इन दो के बारे में यह बात करता है। तो उनके संदर्भ में हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे कंपनी अपने बायर से और अपने सप्लायर से कॉम्पीट करती है ताकि प्रॉफिट कमा सके। समझ में आ गया क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, हमें समझाना है कैसे कॉम्पीट करती है। बायर क्या चाहता है हमसे, क्वालिटी प्रोडक्ट, डिस्काउंट। सप्लायर क्या चाहता है हमसे, रेगुलर ऑर्डर, है ना। तो यह रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो इस रिक्वायरमेंट के अंदर हम मिस्टर माइकल पॉटर ने जो 5 बातें बोली हैं, सिर्फ 2 बातों के बारे में बात करेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2, डिस्कस द इश्यूज ऑफ नेगोशिएटिंग एंड एग्रीइंग ट्रांसफर प्राइस बिटवीन डिविजन्स। ये देख रहे वर्ड ट्रांसफर प्राइस, इस वर्ड को पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 चैप्टर नंबर 9 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर से है। तो देखा आपने ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई थी, उस हेडिंग को एग्जाम में देखने को मिलेगा नहीं, हम कौन सी हेडिंग क्या है क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट को पढ़ के हमने सोचा कि यार किस चैप्टर से है, तो मुझे पता लग गया कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारा किससे है, चैप्टर नंबर 9 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। डिस्कस द इश्यूज ऑफ नेगोशिएटिंग एंड एग्रीइंग ट्रांसफर प्राइसेस बिटवीन डिविजन्स विद इन ए लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। मेक रेफरेंस टू माइकल पॉटर्स मॉडल एंड योर आर्ग्यूमेंट्स इन पार्ट 1 वेयर अप्रोप्रिएट। कुल मिलाकर से बताना क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब 2 डिपार्टमेंट आपस में ट्रांसफर प्राइस के ऊपर बात करते हैं, और कैसे इन ट्रांसफर प्राइस को, इन प्रॉब्लम को बताते वक्त हमें जहां पर भी संभव हो माइकल पॉटर के मॉडल की लर्निंग को भी रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करना है। अच्छा, मेरे कुछ सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रिक्वायरमेंट नंबर वन के अंदर क्या हमें सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में बात करनी है या 5 पॉइंट के बारे में बात करनी है? सिर्फ 2 के बारे में। अगर एग्जाम के अंदर आप माइकल पॉटर के 5 पॉइंट लेकर आए, आपको नंबर नहीं मिलेंगे और समय भी खराब हो जाएगा। समझो, क्वेश्चन जो चाहता है उसे वही दो। अगर आपको कुछ फालतू मालूम है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मालूम है, उसे मत दो। वो नहीं चाहता उसका जवाब, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर हम सिर्फ 2 पॉइंट पे बात करेंगे, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इसके अलावा भी 3 पॉइंट बचते हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। बात समझ में आई? रिक्वायरमेंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं अब। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या बताना है हमें एक तो बतानी है प्रॉब्लम्स, यानी कि इश्यूज,
वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ट्रांसफर प्राइस को डिसाइड करते वक्त सामने आती है। अच्छा, क्या हमें इन समस्याओं को सुलझाने का सॉल्यूशन भी बताना है? बताओ हां या ना। नहीं बताना, क्वेश्चन ने नहीं पूछा है। अगर आपने ट्रांसफर प्राइस तय करने में आने वाली प्रॉब्लम्स को लिखने के साथ साथ सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन ने जितना पूछा है उतना ही बताओ। क्वेश्चन ने पूछा इश्यूज बताओ, तो इश्यूज बताओ। तो ये दो रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद हम समझ गए कि ये केस स्टडी का क्वेश्चन दो अलग अलग चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। इन द फाइव फोर्सेस मॉडल। ओहो सर, क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़ते ही बात समझ में आ गई। फाइव फोर्सेस मॉडल, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, माइकल पॉटर, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। वन ऑफ द क्रक्स इज दैट कंपनीज और डिविजन कॉम्पीट विद देयर बायर्स एंड सप्लायर। द सेम मॉडल कैन बी यूज टू इवेल्युएट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ डिविजन्स ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपनी। In such companies, some of the divisions may be buyer and supplier to one another. This leads to management accountant becoming involved in negotiation, leading to the agreement of suitable transfer price between these divisions. कुल मिलाकर क्या बात है? एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट आपस में खरीद बेच करते हैं। कभी कभी वो लोग खरीद बेच करते वक्त किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेचें, तय नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसे में कौन आता है फिर? मुकंदर का सिकंदर कौन होता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये कौन है मैनेजमेंट अकाउंटेंट? आप और हम जाके समझाते हैं दोनों डिपार्टमेंट को लॉजिकली। समझ रहे हैं? लॉजिकली। ऐसे नहीं कि एक बंदे को अलग लेके गए कोने में समझाने के, देखो कंपनी में जॉब तो करनी पड़ेगी यार, कर लो काम, क्या हो गया, मान जाओ ना, मैनेजमेंट चाहता है नौकरी से निकाल देगा ना। ये गलत तरीका है। लॉजिकल बेसिस पर हम, लॉजिक पर काम करते हैं। हम उन्हें एक ऐसी रेंज देंगे प्राइस की कि दोनों डिपार्टमेंट को लगेगा कि हाँ भाई दोनों को फायदा है, फिर कंपनी को फायदा है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे, सबको खुश करेंगे हम। विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। हर किसी की जीत होगी, किसी की हार नहीं होगी। कभी कोई आपको बुरा बोले, हाँ कभी कोई आपको बुरा बोले, आपको उल्टा सीधा बोले, तो क्या आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? देखो, सुना तो आपने ही होगा कि हाँ जी उसको नजरअंदाज करो, अपने काम पर ध्यान दो। देखो, अगर नजरअंदाज कर पाना पॉसिबल है, यानी कि वो व्यक्ति आपके घर का नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, आपका जानकार नहीं है, नजरअंदाज कर पाना पॉसिबल है, तो नजरअंदाज कर दो। क्यों? दोबारा तो मिलने वाला है ही नहीं वो। लेकिन अगर वो व्यक्ति दोबारा मिलने वाला है और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार मिलेगा, तो उसको नजरअंदाज कर पाना गलत तरीका हो जाएगा। तो क्या करें सर, लड़ाई करें? नहीं, आपको लॉजिकली उसको अपनी बात समझानी है। मतलब फेक लॉजिक नहीं देना, लॉजिकली। एग्जाम्पल के लिए, कई बार घर के अंदर पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं कि भाई आप सिर्फ 8 घंटे पढ़ते हो, आप सिर्फ 10 घंटे पढ़ते हो, जबकि हमने सुना है कि सीए करने में 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना ही पड़ता है। तो आप अपने जो भी पिताजी माताजी आपको ऐसा बोल रहे हैं, अब देखो उनको इग्नोर करोगे ना तो लंबे समय कर नहीं पाओगे इग्नोर। उनको इग्नोर करोगे तो बाद में क्या होगा, आपके मन में एक स्ट्रेस रह जाएगा कि यार ये 16 घंटे बैठने पड़े किताबों के सामने, वरना ये मेरी जान खा जाएंगे। तो क्या करो ऐसे में आप उनको लॉजिकली बताओ। कैसे बताओगे लॉजिकली? आप अपना प्लान दिखाओ उनको कि देखो पापा, अगले 3 महीने का मेरा ये प्लान है, इस दिन मैं ये करने वाला हूं, और 8 से 10 घंटे पढ़कर 3 महीने में अपना संपूर्ण कोर्स इस प्रकार से इतनी बार रिवाइज कर लूंगा। यानी कि इस 8 से 10 घंटे के अंदर पढ़कर मैं अपना प्लान पूरा कर पा रहा हूं और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर पा रहा हूं, तो मुझे 15 से 16 घंटे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप लॉजिकली बात करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको बोलेंगे ही नहीं कि आप 16 घंटे क्यों नहीं पढ़ते। वैसे ही जब कंपनी के अंदर डिस्प्यूट होता है, सप्लाई डिवीजन बोलता है कि मैं तो मार्केट प्राइस पर दूंगा। सप्लाई डिवीजन क्या बोल रहा है? मैं तो मार्केट प्राइस पर दूंगा भैया, लेना हो तो लो वरना चलते बनो। और बाय डिवीजन क्या बोल रहा है? मैं तो कॉस्ट पे खरीदूंगा। वो क्या बोलेगा? मैं पागल हूं, प्रॉफिट नहीं कमाऊं। और वो क्या बोलेगा? मैं पागल हूं, मैं सेलिंग एक्सपेंस नहीं हुआ उसके पेमेंट क्यों करूं आपको। समझे बात को? जब एक एंटिटी इंटरनली बेचती है ना, तो उसको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, उसको एड पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो बाय डिवीजन क्या बोल रहा है? अच्छा भाई साहब, अब जब मुझे बेचोगे तो क्या आप ऐड करोगे? आप तो ऐड नहीं करोगे। और जब आप ऐड ही नहीं कर रहे, तो भाई साहब ऐड वाला खर्चा जो मार्केट प्राइस में आप जोड़ते हो, मुझसे क्यों मांग रहे हो आप? मैं नहीं देने वाला। समझे? दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है ये वाला।
अब ऐसे में क्या है, अगर दोनों ही अपनी बात पे अड़े रहे तो भाई साहब इंटरनल ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और बताओ क्या इंटरनल ट्रांसफर का होना कंपनी के लिए फायदेमंद है? हाँ कंपनी के लिए फायदेमंद है ये, लेकिन वो अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस उसके डिपार्टमेंट के प्रॉफिट से इवेल्युएट होती है। हाँ जी मिस्टर एक्स, डिपार्टमेंट एक्स के मैनेजर साहब, बताइए आपके डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना रहा इस साल? तो क्या होगा कंपैरिजन, इस साल का प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट, या इस क्वार्टर का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट, कंपैरिजन होगा भाई साहब। अगर प्रॉफिट कम है तो भाई साहब ये क्या कर रहा, प्रॉफिट कम कर दिया आपने तो यार। तो हो क्या रहा है कि डिपार्टमेंट के मैनेजर को अपना प्रॉफिट तो बढ़ाना ही है, साथ ही में उन्हें कंपनी के प्रॉफिट पर भी ध्यान देना चाहिए, बट वो देते नहीं है। रीजन क्या है उसका? वो बोलते हैं कंपनी के प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ जाएंगे, हम अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये है कहानी। तो ये मैंने कर लिया जी, क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने पढ़ लिया। अब इसका आंसर मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, एक बार उसे पढ़ लेते हैं आप समझ जाओगे अच्छे से। देखो जो बातें मैंने आपको वर्बली बोल के बताई ना, बातें यहां पर लिखी हुई है। एक वर्ड है फाइव फोर्सेस, एक वर्ड है माइकल पॉटर, ये दोनों इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि टॉपिक है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, है ना। और ध्यान देना जरा, क्वेश्चन सिर्फ दो फोर्सेस की बात कर रहा है, बायर की और सप्लायर की। इसका मतलब है हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करनी है, बाकी तीन के बारे में बात नहीं करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे किसको, टू फोर्सेस आउट ऑफ फाइव फोर्सेस। सबसे पहला है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। देखो अगर बायर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस कम करने पर आपको मजबूर कर सकता है तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल लो है। इफ बायर हैज पावर टू रिड्यूस योर सेलिंग प्राइस, इट मींस प्रॉफिट पोटेंशियल इज लो, यानी कि बायर के पास अच्छी बार्गेनिंग पावर है। फॉर एग्जाम्पल इफ बायर हैज ऑप्शन टू शिफ्ट टू अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, बायर बोल रहा है मैं आपका पेन नहीं खरीद कर किसी और कंपनी का पेन खरीद लूंगा, क्या डिस्काउंट दोगे आप? आप क्या बोलोगे? हाँ यार खरीद ना ले, डिस्काउंट देते हैं इसको। तो देखा उसने कुछ बोलकर आपको आपका सेलिंग प्राइस कम करने पे मजबूर कर दिया। और अगर ऐसा बायर कर सकता है तो आप मोटा मुनाफा नहीं कमाने वाले, आपका काम चलता रहेगा बट करोड़पति बनने के चांसेस कम है। अगला पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। जिससे माल खरीदकर आप बेचते हो या जिससे माल खरीदकर आप प्रोडक्शन करते हो, अगर वो अपने माल का प्राइस बढ़ा सके और आप कुछ ना कर पाओ, समझ जाना आप मोटा मुनाफा नहीं कमाने वाले, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल लो है। ऐसा कब होगा? जब सप्लायर एक ही हो, एक सप्लायर, हाँ पूरे इंडिया के अंदर 5G इंटरनेट जियो दे रहा है। कल को अगर ये बोले कि भाई इंटरनेट की कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो मना कर देंगे आप? नहीं कर सकते। किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? कंपनीज की। मान लो कोई कंपनी है जो ई कॉमर्स चलाती है, ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस, है ना, बाइंग सेलिंग। अब उसको जरूरत इंटरनेट की जरूरत है उसको, क्यों? उसकी वेबसाइट है, कस्टमर के ऑर्डर आते हैं, ऑनलाइन बातचीत होती है। तो अगर ऐसे में रिलायंस जियो बोले कि भाई हम आपके इंटरनेट की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं तो क्या ये मना कर देंगे? नहीं, क्योंकि सप्लाई सिर्फ एक ही है। तो पहले मैंने क्या करा सॉल्यूशन में, इन दोनों को एक्सप्लेन करा, उसके बाद नीचे कुछ लिखा है मैंने, इनके बीच में कंपटीशन होता है और उससे कैसे कैसे कंपनी के प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ता है। ध्यान देना जरा, अगर एक बायर पावरफुल है वो क्या चाहेगा? देखो वो दो बातें चाहेगा। सबसे पहली बात चाहेगा टाइमली क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट टाइम पर। दूसरी बात वो चाह सकता है डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट दो भाई? अब डिस्काउंट लेने के लिए कई बार होता है ना, वो अपने ऑर्डर को बढ़ा लेता है, भाई 100 पेन खरीदूंगा प्राइस बताओ, भाई 500 पेन खरीदूंगा प्राइस बताओ। तो अपने ऑर्डर साइज को बढ़ाकर आपको प्राइस कम करने पर मजबूर कर सकता है। दूसरा है सप्लायर। सप्लायर क्या चाहता है? वो चाहता है आपको हमेशा बड़ा ऑर्डर सप्लाई करे और हाई प्राइस पर, यानी सप्लायर तो आपका प्राइस बढ़ाना चाहता है और बायर कम करना चाहता है, तो लगे प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम। अब जरा ध्यान देना, बड़ी काम की बात है। अगर आप ज्यादा स्टॉक खरीद रहे हो, अगर आप ज्यादा स्टॉक खरीद रहे हो, ज्यादा मटेरियल खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास मल्टीपल कस्टमर के छोटे छोटे ऑर्डर हैं, छोटे छोटे ऑर्डर। किसी ने बोला 100 पेन खरीदूंगा, किसी ने बोला 200 पेन, किसी ने बोला 500 पेन। तो ऐसे में क्या है, आपके पास ऑप्शन है, छोटे छोटे ऑर्डर हैं तो सप्लायर से पेन बल्क में खरीदो और सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो।
ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है और डिमांड है, प्राइस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा खरीदा, इसको रीजन कुछ और है, आपने ज्यादा इसलिए खरीदा क्योंकि सप्लायर ने आपको दे दिया ह्यूज डिस्काउंट, तो इस केस में क्या होगा, आपको अपना सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा ताकि आप माल को मार्केट में बेच पाओ। तो दोनों में रिलेशन समझ गए आप। अगर कोई कंपनी ज्यादा मटेरियल खरीद रही है, उसके पीछे रीजन है कस्टमर द्वारा दिए जाने वाले बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर, इसका मतलब है कंपनी के माल की डिमांड है, प्राइस बढ़ा लो प्रॉफिट कमा लो। लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के पीछे रीजन है सप्लायर द्वारा दिया गया ऑफर, उसने बोला कि अगर ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे डिस्काउंट दे दूंगा, आपको लगा यार फायदे की बात है खरीद लेता हूं। अब आपने क्यों खरीदा ज्यादा, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल गया। अब आपने ज्यादा खरीद तो लिया, मार्केट में बेचना है, मगर मार्केट में उतना ऑर्डर नहीं है आपके पास, क्या करोगे अब आप प्राइस को रिड्यूस करोगे। तो देख रहे हैं एक जगह प्राइस को आप इंक्रीज कर रहे हो और एक जगह रिड्यूस कर रहे हो, इसे बोलते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर, इससे प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ता है। बस यहीं तक इसका आंसर है, यहीं तक। अच्छा स्टडी मैट जब देखोगे ना आप, जब आप स्टडी मैट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर बहुत आंसर इलैबोरेटेड है, तो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा, आंसर इज नो, एग्जाम में लिखना है टू द पॉइंट, जैसे मैंने लिखकर दिखाया ना आपको। बताओ कोई भी शब्द ज्यादा है क्या? देखो एग्जाम में ये तो लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपके लिखा था कि आप पहचान सको कि कैसे सोचना है आपको। सॉल्यूशन शुरू हो रहा है आपका यहां से, नाउ द सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देख लो आप टू द पॉइंट लिखा है, फालतू बातें कोई नहीं, सिर्फ दो फोर्सेस की बात की, आखिरी में दे दिया कंक्लूजन, खत्म बात। रिक्वायरमेंट नंबर टू, यहां पर इश्यूज के बारे में बात की गई है, हमें क्या बताना है, इश्यूज, ध्यान देना, वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस इश्यूज एंड ऑल्सो नीड टू कोट लर्निंग आउट ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, और चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर प्राइस। तो ध्यान देना जरा, फॉलोइंग आर द इश्यूज विच अराइज इन नेगोशिएटिंग एंड एग्रींग ट्रांसफर प्राइस बिटवीन डिवीजन। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पहली प्रॉब्लम पर्सनल बेनिफिट ऑफ मैनेजर गेट्स अफेक्टेड। अगर मैनेजर का बोनस, मैनेजर को मिलने वाला इंसेंटिव उसके डिपार्टमेंट के प्रॉफिट पर निर्भर करता हो और ऐसे में हम बोले ट्रांसफर प्राइस कम रखो, तो वो नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा, मैं तो उसी प्राइस पर बेचूंगा जिस प्राइस पर मार्केट में बेचता हूं, क्योंकि अगर उससे कम पर मैंने आपको बेचा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम, मुझे मिलने वाला इंसेंटिव कम, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये था इश्यू नंबर 1। इफ मैनेजर इज गेटिंग बोनस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट परफॉर्मेंस ऑफ इट्स हिज डिपार्टमेंट, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा चाहेगा कि आपको मार्केट प्राइस पर ही सप्लाई करे। दूसरा पॉइंट है टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिसाइडिंग ट्रांसफर प्राइस में रिड्यूस बार्गेनिंग पावर ऑफ डिपार्टमेंट। ये एक इश्यू है, ध्यान देना जरा, सर ये इश्यू है, हां, अगर टॉप मैनेजमेंट ट्रांसफर प्राइस को डिसाइड करने में सप्लाइंग डिपार्टमेंट को फोर्स कर रहा है कि प्राइस ये रखो, ऐसा करने में क्या होगा, दोनों डिपार्टमेंट के बीच में प्राइस के बारे में नेगोशिएशन नहीं होगा और सप्लाई डिपार्टमेंट का मैनेजर या बाइंग डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई। ये इश्यू है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जब दो भाई आपस में लड़ रहे हो बंटवारे के ऊपर, अक्सर दादाजी बीच में आके बोलते हैं आपको ये मिलेगा आपको ये मिलेगा, ऐसा करने पर गड़बड़ी हो सकती है। बेहतर है बाहर से एक थर्ड पर्सन को बुलाओ, उसको बिठाओ और उसे बोलो कि वो अपने हिसाब से दोनों को सेटल करे, ज्यादा बेहतर है, रिलेशन बने रहेंगे और दोनों खुश रहेंगे। वही बात यहां पर है। इश्यू नंबर 3, नो बार्गेनिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ सप्लाइंग डिवीजन इन केस इट्स प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी एक्सटर्नल मार्केट। अगर सप्लाइंग डिपार्टमेंट जो बनाता है उसकी कोई मार्केट नहीं है, मतलब मार्केट में बिकता ही नहीं, क्या करे बेचारा, उसे पता ही नहीं मार्केट प्राइस क्या है क्योंकि मार्केट में बिकता ही नहीं, तो ये एक इश्यू है। चौथा है फेयर वैल्यू कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता, मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है, अब फेयर वैल्यू भी निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू क्या है, डिपेंड्स अपॉन पर्सपेक्टिव, कौन क्या चाहता है, तो ऐसे में क्या होगा, बेचारे को
थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा बस। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, फुल कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा सप्लाई डिपार्टमेंट, तो इससे क्या होगा, मोटिवेट नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। उसे लगेगा यार मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी अच्छा काम कर लूं, मुझे तो हल्का सा मुनाफा ही मिलेगा ना। कॉस्ट में कमी कर ली तब भी क्या, मुझे तो कॉस्ट प्लस 5% मिलता है ना, तो मेरा 5% तो और कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप बताओ कॉस्ट को बढ़ाना क्या कंपनी के लिए फायदेमंद है, नहीं। तो यहां पर रिक्वायरमेंट नंबर 2 का भी आंसर हमने दे दिया, बिल्कुल पॉइंट वाइज। देखो जरा सीखो इससे एग्जाम में कैसे लिखना होता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग लिखी उसके बारे में लिखा, फिर हेडिंग लिखी फिर उसके बारे में लिखा, मैक्सिमम 3-4 लाइनों में आपका एक पॉइंट खत्म हो जाना चाहिए। चलो भाई अगली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पर आपको आंसर दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। केस स्टडी नंबर 5 पे आ जाओ। केस स्टडी नंबर 5, एग्जाम के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले पढ़नी है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को देना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यहां पर भी हम, रिक्वायरमेंट। यह रिक्वायरमेंट यानी क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। निकाल लिया क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एक्सीलेंस की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। याद करो चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, यहां पर बहुत सारे बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस यानी बेनिफिट क्या है। पहला पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस यानी एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ, ध्यान देना एक्सप्लेन करना है। रिक्वायरमेंट नंबर 2, लिस्ट द टूल अवेलेबल टू अचीव एंड सस्टेन एक्सीलेंस। एक वर्ड पे ध्यान दो, लिस्ट। लिस्ट लिस्ट मतलब जो भी आपके बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल हैं उनकी लिस्ट बना दो, कौन कौन से हैं, सिर्फ नाम देना है, एक्सप्लेन नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, सिर्फ नाम देने हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3, अप्लाई द फंडामेंटल्स ऑफ EFQM मॉडल। EFQM मॉडल खुल के बता दिया, इसके फंडामेंटल्स बताने हैं, कितने फंडामेंटल हैं, 8 फंडामेंटल हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्राइटेरिया। ओहो 9 क्राइटेरिया हैं, 5 इनेबलर बोले जाते हैं, 4 रिजल्ट बोले जाते हैं, आया कुछ याद, तो उसका रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है। कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो ये जो केस स्टडी का क्वेश्चन है ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ने सीधे नहीं पूछा एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ फलाना मॉडल, लिस्ट डाउन ऑल द मॉडल्स, इसने केस स्टडी की फॉर्म में पूछा। अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को। एज ए गेस्ट लेक्चरर एट ए सिफ्नोसियम फॉर बिजनेस एक्सीलेंस वेयर यू आर गिविंग ए लेक्चर ऑन सस्टेनिंग बिजनेस एक्सीलेंस। इसने क्या बना दिया आपको, लेक्चरर, और क्या कर रहे हैं आप, आप लेक्चर दे रहे हैं बिजनेस एक्सीलेंस को अचीव करने के ऊपर। ध्यान देना एक्सीलेंस की रिक्वायरमेंट हर फील्ड में है, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे स्टडीज हो, एक्सीलेंस को अचीव करवाने पर ही सफलता बनी रहेगी, वरना सफलता छिन सकती है। इंप्रूवमेंट करना इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, इंप्रूवमेंट करना इज ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, यानी इंप्रूवमेंट करते रहना होगा, चेंज होता ही है। आज से 10 साल पहले या आज से अगर 15 साल पहले की बात करूं तो आज के 15 साल पहले टीचिंग करने का तरीका अलग था, लेकिन आज टीचिंग करने का तरीका अलग है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, एक समय पहले ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, तो देख रहे हैं आप चेंज हमेशा होता रहता है, तो चेंज को इंप्लीमेंट करने से ही एक्सीलेंस को अचीव किया जा सकता है। तो आप लेक्चर दे रहे हैं कैसे एक कंपनी अपने बिजनेस एक्सीलेंस को सस्टेन कर सके, यानी कि माना आज मार्केट में आपका अच्छा शेयर है, माना आप आज की कंपनी मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमाती है, लेकिन अपनी इस काबिलियत को बरकरार रखने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड
करते रहना होगा। किसी कंपनी में आपने जॉब पकड़ी, शुरू में तो आप बड़े नॉलेजेबल हैं, आपको सारे टैक्स के रूल याद हैं, अभी एग्जाम दिया आपने, सारे कॉस्टिंग के मॉडल याद हैं, अभी एग्जाम दिया आपने, सारे अकाउंटिंग फॉर्मूले रूल्स रेगुलेशन याद हैं, अभी एग्जाम दिया आपने, लेकिन भाई साहब 2 साल के बाद आधे से ज्यादा धुल जाएंगे। नहीं पढ़ते स्टूडेंट उसको, बाद में बोलते आप क्या करना पड़ के, सीए बन के जॉब लगी क्या करें, मजे करो। यही वो बारीक सी लाइन है जो एक्सपर्ट सीए और एक नॉर्मल सीए में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। सीए बनने के बाद पढ़ने वाले लोग कम है, इसीलिए तो पढ़ने वालों में दम है, जो नहीं पढ़ते पीछे रह जाते हैं। तो इंप्रूवमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी इंप्रूवमेंट करते रहना, ऐसा ना हो कि आप पहली बार में तीन महीने में रिवाइज कर रहे हैं तो अगली बार भी 3 महीने में रिवाइज करें, ना जी ना। अब टाइम कम होना चाहिए, तो टाइम कम होगा तभी तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी। तो ये बात है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ फैशन क्लोथिंग लाइन, बताओ ये कंपनी क्या करती है, फैशन क्लोथ लाइन, यानी जो आजकल के जो फैशनेबल कपड़े हैं ना उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है, इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। नहीं नहीं, ये मैन्युफैक्चरर कोई है जो आपकी क्लास के अंदर बैठा हुआ है, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी कि आप जब लेक्चर दे रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो था मैन्युफैक्चरर। क्या बनाता है वो, फैशन क्लोथिंग लाइन, यानी आजकल जो रेडीमेड गारमेंट है ना, वो फटी हुई जींस, आजकल का क्या ये फैशनेबल ट्रेंड है ना, तो ये बदलता रहता है, तो वो भी वहां पे बैठा हुआ था। ही हैज द फॉलोइंग क्वेरी, उसने क्या पूछा, कुछ पूछा है उसने आपसे। अब जो उसने पूछा है उसको पढ़ेंगे, क्या पूछा उसने, उसने बोला सर वी आर एन अपैरल कंपनी एंड दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल अवर फैशन क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज डायरेक्टली थ्रू 30 stores स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, शॉर्टली वी आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश सिमिलर आउटलेट ओवरसीज। ओहो, अभी हिंदुस्तान के अंदर 30 स्टोर है इनके, और अब ये हिंदुस्तान के बाहर भी अपने स्टोर खोलना चाहते हैं। अवर बिजनेस इज अंडर कॉन्स्टेंट चेंज ड्यू टू चेंजिंग कस्टमर ट्रेंड। कपड़े पहनने का कल्चर डे बाई डे चेंज होता है, पहले कुछ और कल्चर था, अभी कुछ और कल्चर है, 10 साल बाद कुछ और कल्चर होगा, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एक चीज जो हमेशा सेम रहती है वो क्या है, चेंज। एट द सेम टाइम वी आर द लार्जेस्ट कंपनी इन अवर इंडस्ट्री सेगमेंट इन इंडिया बोथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट। समझ रहे हैं, इनका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। वी हैव सेटिस्फाइड बेस ऑफ कस्टमर हु आर लॉयल टू अवर ब्रांड, यानी कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, स्टेक होल्डर्स ड्यू टू गुड रिटर्न प्रोवाइडेड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर भी खुश है। वट वुड बी रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल टू अवर कंपनी। जब आप लेक्चर दे रहे थे और बता रहे थे कैसे बिजनेस एक्सेलेंस को हम सस्टेन करें, तभी एक व्यक्ति बीच में से उठ के बोलता है सर हम कपड़ा बनाकर मार्केट में बेचते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे 30 स्टोर हैं, हमारा अच्छा मार्केट शेयर है, हमारा अच्छा प्रॉफिट है, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है, हमारे शेयर होल्डर सेटिस्फाइड है, यानी कि सब कुछ परफेक्ट है सर, और कुछ टाइम बाद हम इंडिया के बाहर भी बेचेंगे, तो बताइए सर क्यों, हमें बिजनेस एक्सेलेंस की रिक्वायरमेंट है, हम क्यों बिजनेस एक्सेलेंस में ध्यान दें, हम तो ऑलरेडी परफेक्ट हैं। तो सुनो उसका जवाब, हां माना आज आप परफेक्ट हो, लेकिन बिजनेस एक्सेलेंस सस्टेन करने की बात चल रही है यहां पर, आप हमेशा ही बेस्ट रहो इसकी बात चल रही है यहां पर, तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट को कंटिन्यूअसली स्टडी करना पड़ेगा, कस्टमर ट्रेंड को कंटिन्यूअसली स्टडी करना पड़ेगा, है ना, और चेंज को हमेशा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि इस कंपनी को जो अभी इंडिया में बेच रही है, जब ये इंडिया के बाहर बेचना चाहेगी ना, चेक करना पड़ेगा वहां पे ट्रेंड क्या है, वहां पर कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है, यहां पर कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है, तो कंपनी को यह देखना पड़ेगा कि वहां का स्टाइल क्या है, वहां का जो स्टाइल है उसके हिसाब से कपड़े बनाकर बेचने होंगे। यहां पर परफेक्ट हो इसका मतलब ये नहीं वहां पर भी परफेक्ट हो जाओगे, समझे बात को। 12th में अच्छे नंबर आए इसका मतलब ये नहीं है कि सीए में मेहनत मत करो पास हो जाओगे, यहां पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि एक्सीलेंस को सस्टेन करना। यू आर रिक्वायर्ड टू फ्रेम एन अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू द क्वेरी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो इनका सवाल है उनका जवाब दो आप नीचे 4 रिक्वायरमेंट के अंदर। कुल मिलाकर वो आपसे पूछ रहा है कि अभी तो मैं परफेक्ट हूं तो मैं क्यों करूं मेहनत, मैं तो परफेक्ट हूं, सही बात है भाई। रिक्वायरमेंट नंबर 1,
देखो बिजनेस एक्सीलेंस वर्ड इस बात को इंडिकेट करता है कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 2 है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। और ध्यान देना यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस, क्यों क्यों बिजनेस एक्सीलेंस की रिक्वायरमेंट है। यहां पर ध्यान देना, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी के पास अच्छा मार्केट शेयर है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम परफेक्ट हैं तो हम क्यों इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दें। रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर हमें क्या बताना था, इंपॉर्टेंस। तो देखो मैंने कैसे बताया इंपॉर्टेंस, सबसे पहले मैंने बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के बारे में इसका हल्का सा मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल इज वेयर बाई एंटिटी कीप्स ऑन डेवलपिंग द सिस्टम, सिस्टम को डेवलप करते रहो, ट्रेंड को पकड़ते रहो, सो दैट इट कीप्स ऑन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, इंप्लॉइज, शेयर होल्डर। समझ गए, हल्का सा मीनिंग लिखा, वही बात घुमा फिरा के लिख दी, एक मीनिंग बता दिया। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का मतलब होता है कि अपने आप को इंप्रूव करते रहो, सबको सेटिस्फाई करते रहो। बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी के अंदर, कस्टमर, इंप्लॉय, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, सप्लायर, बहुत सारे, है ना, सबको खुश रखना है। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहली बात, इंप्रूवमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। हाँ जी भाई साहब, आप खड़े हुए थे ना, सुनो मेरी बात, इंप्रूवमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। आपको बार बार इंप्रूवमेंट करना होगा, आपको बार बार मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करना होगा, आपको बार बार चेक करना होगा कि आखिर कस्टमर चाहता क्या है। तो कस्टमर का जो दिल चाहता है वो दे दो उसको, आप हमेशा नंबर वन रहोगे। आप अभी नंबर वन हो ये बात तो मान ही रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में भी नंबर वन रहना है तो आपको कस्टमर को एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, कोई चेंज आता है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंडिया के बाहर जा रहे हैं बेचने के लिए, वहां पर कल्चर डिफरेंट है, तो वहां के कल्चर को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि वहां पे कैसे कपड़े बनाकर आप मार्केट में बेचेंगे। दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला कि हमारे सभी लोग खुश हैं। क्या बोला, कस्टमर लॉयल है जी, शेयर होल्डर भी खुश है। हाँ मानी आपकी बात, लेकिन ध्यान देना, कस्टमर खुश रहेगा तो ज्यादा माल खरीदेगा, ज्यादा माल खरीदेगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो इंप्लॉइज खुश, सैलरी बढ़ा दो उनकी, प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर खुश, ज्यादा मुनाफा आएगा, प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट खुश, टैक्स आएगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा सप्लायर खुश, ज्यादा ऑर्डर आएंगे। तो ध्यान देना, हर स्टेक होल्डर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसीलिए आपको कस्टमर को फोकस करना है, बाकी सब चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। आपको इसलिए अपने कस्टमर के ट्रेंड को एनालाइज करते रहना होगा। अगला पॉइंट है, कॉन्स्टेंट चेंज इज ऑलवेज रिस्की। मार्केट में जो बदलाव आ रहे हैं उसको अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया तो मार्केट से आउट होने में समय नहीं लगेगा। तो ये था पॉइंट नंबर 3। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में बोला गया लिस्ट डाउन, यानी कि हमें सिर्फ मॉडल्स के नाम बताने हैं। तो लो भैया, फॉलोइंग आर द मॉडल्स, कौन कौन सा, EFQM मॉडल, वर्ल्ड क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, सिंगापुर BE फ्रेमवर्क, जापान क्वालिटी अवार्ड मॉडल, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। बस नाम लिखो, बात खत्म। सारे कहां से हैं, चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 3, यहां पे क्या बोला गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बताओ। तो भाई साहब, EFQM के 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला है, कंपनी शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, वैल्यू फॉर मनी। अगर 100 रुपए दे रहे हैं 150 का माल दो, समझना मतलब, अगर 100 रुपए दे रहे हैं 150 की सेटिस्फेक्शन दो। एक थिएटर हॉल में गए, मूवी देखकर आए, 200 रुपए लगे, मजा आ गया भाई। 500 रुपए की टिकट नॉर्मली मिलती है, आपने 200 में दे दी, उसको तो मजा आ गया ना, उसे क्या मिल गया, वैल्यू फॉर मनी। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, हमेशा कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करते रहो। अगर आपको वो 10 रुपए दे तो आप कोशिश करो कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद उसे ऐसी फीलिंग आए कि उसे 12 रुपए का माल मिल गया। दूसरा पॉइंट, क्रिएट ऑन सस्टेनिंग फ्यूचर फॉर ऑल स्टेक होल्डर। अपने सभी स्टेक होल्डर को बता दो आप सिक्योर हो, इंप्लॉइज घबराओ मत, कंपनी टिकी रहेगी, भले ही कोरोना है, भले ही लॉकडाउन है, कंपनी नहीं लेगी, आपकी सैलरी मिलती रहेगी, घबराओ मत। शेयर होल्डर जी, आप भी घबराओ मत, आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपको रिटर्न मिलेगी। कस्टमर, आप भी मत घबराओ, आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। सप्लायर भाई साहब, आप भी मत घबराओ, आपकी पेमेंट टाइम पर होगी। थर्ड पॉइंट, शुड फोकस ऑन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, यानी कि इंप्लीमेंट करो फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम इंस्टेड ऑफ सेमी ऑटोमेटेड। मैंने बोला था ना कि जितना काम हो सके मशीन पर डालो, व्यक्ति पर नहीं। जितना काम आप मशीन पर डालोगे काम बेहतर होगा। व्यक्ति तो आलस कर सकता है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज प्रोडक्शन नहीं करूंगा, तो ऐसा मत करो, कोशिश करो मैक्सिमम काम मशीनें करें। मैकडी को देख लो आप भाई साहब, मैक्सिमम काम करती है मशीनें।
अगला पॉइंट है फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आओ, कुछ नई चीज मार्केट में लेकर आओ, लीडिंग विद विजन एंड इंस्पिरेशन, आपकी दूर की सोच होनी चाहिए, आज के 5 साल बाद कस्टमर क्या खरीदेगा, अगर आपने सोच लिया आज तो अगले करोड़पति की लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करो, यानी कि कोई भी कस्टमर की नई रिक्वायरमेंट आई तुरंत सॉल्व कर दो उसको, तुरंत से प्रोवाइड कर दो। फोकस ऑन सक्सीडिंग विद टैलेंटेड मैन पावर, ध्यान देना आज की रेट में टैलेंटेड मैन पावर मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है, एक ऐसा एम्प्लॉय जो एक्चुअल में काम कर सकता हो नहीं मिलते मार्केट के अंदर। अगला पॉइंट फोकस ऑन सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, यानी कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट को ऑब्टेन करते रहना, इस बात पर फोकस करो। रिक्वायरमेंट नंबर 4, ध्यान देना यहां पर बात की गई है 9 क्राइटेरिया, 5 को हम क्या बोलते हैं इनेबलर्स और 4 को रिजल्ट, वही बताना आपको 5 इनेबलर्स लीडरशिप प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लास्ट 4 क्राइटेरिया का है रिजल्ट, पीपल रिजल्ट कस्टमर रिजल्ट सोसाइटी रिजल्ट बिजनेस रिजल्ट, तो ये हो गया आपके रिजल्ट। उसको एक्सप्लेन कर दो बस, लीडरशिप पीपल स्ट्रेटजी पार्टनरशिप प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विस और पीपल रिजल्ट। व्हाट इज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, कस्टमर रिजल्ट, इज मार्केट शेयर इंक्रीजिंग, सोसाइटी रिजल्ट, इज कंपनी ए गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, नोवा रिजल्ट, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, पैसा है इसके पास, तो बस ये बातें लिख दो 1 by 1 पॉइंट वाइज पॉइंट, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखो ऐसे ही आता है जी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जी, आपको करना क्या, आपको पढ़ाई करनी है, आपको मॉडल याद होने चाहिए, एग्जाम में आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगले की स्टडी पे आ जाओ, अगले की स्टडी पे, तो देखो आपको बात समझ में आ रही है ना एग्जाम में कैसे लिखना है, केस स्टडी के क्वेश्चन बिल्कुल मत घबराओ आप, एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है बस, एक प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना। अच्छा मैंने बीच में ना वो बनाई थी डिक्शनरी, कॉस्टिंग की एक डिक्शनरी, जहां पर मैंने कोशिश की है कि जो भी कॉन्सेप्ट है जो भी मॉडल्स हैं थ्योरीज हैं उनको ना बहुत ही कम शब्दों के अंदर एक पेज पर लिख दूं। तो आपने 12 चैप्टर हैं, अब 12 चैप्टर में अगर मैं ऑन एवरेज लगाऊं तो 3 या 4 पेज लगे हैं, 3 से 4 पेज मांगे चलो, किसी किसी में 3 किसी किसी में 4 किसी किसी में 2 भी हैं, तो अगर मोटा मोटा मैं जोड़ूं तो 40 पेज होंगे मैक्सिमम, यानी 40 पेज के अंदर आपके 12 के 12 चैप्टर के जितने भी मॉडल्स हैं जो भी थ्योरीज इंपॉर्टेंट वाली सारी की सारी फुल्ली उसमें लिखी हुई है। तो वो जो डिक्शनरी है ना उसको भी यूट्यूब पे डालूंगा मैं, और वो आपके लिए एक रामबाण दवा सिद्ध होगी। उसमें क्या करना है आपको, आपको 40 पेज अपने पास रखने हैं, आप चाहो तो फोन में रख लो पीडीएफ कॉपी, दे दूंगा मैं आपको पीडीएफ कॉपी, आप फोन में रखो जब भी टाइम मिलता आपको आप उसे देख लो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो प्रिंट आउट रखोगे प्रिंट आउट हो सकता है, लेकिन अगर फोन में रखा आपने पीडीएफ फॉर्म में रखा जब मर्जी देख लो यार, तो इससे आपको फायदा होगा। तो ये डिक्शनरी है बन तो चुकी है पूरी तरीके से, अब देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं आती। वैसे बीच में मैंने एक डिक्शनरी का एक चैप्टर आपको दिखाया भी था मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर, और ये वीडियो थी आपकी जब मॉडल वाली जो यूट्यूब सीरीज है ना उसके अंदर थी वाली वीडियो, तो उसमें दिखाया था मैंने आपको कि डिक्शनरी किस प्रकार से है, उसके अंदर मीनिंग है, उसके बाद उसकी टॉपिक है मीनिंग है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी है समझाने के लिए। तो जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, नए नए तरीके नए नए सोच, जमाना काफी आगे बढ़ गया, देखो ना आप, अगर आपको सारी की सारी थ्योरी 40 पेज के अंदर मिल रही है इससे कम क्या हो सकता है बताओ, 40 पेज में सारी की सारी थ्योरी मिल गई आपको, तो आपको एक ऐसे नोट्स मिल गए जो आपको टीचर ने बना के दिए हैं, है ना, क्योंकि आप बनाते तो कुछ छोड़ भी सकते थे, कुछ छूट सकता था आपसे, आप बोल भी सकते थे, और वो नोट्स आपको मैंने बना के दिए, तो आपको उसको यूज इतना करना चाहिए कि आपको एग्जाम के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चन से डर ना लगे, आपको लगे यार इतने आसान क्वेश्चन होते हैं ये तो यार, कि लाइफ में मजा आ जाए। तो ये केस स्टडी नंबर 6 से पहले क्या पढ़ेंगे इसकी हम रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट यानी एक रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, पढ़ते हैं सर उसको, द कंपनी इज कंसिडरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ध्यान देना भाई साहब, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इससे मुझे मालूम पड़ गया भाई साहब चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट, कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी इज कंसिडरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम बी ऑफ यूज और टू सन इलेक्ट्रॉनिक इन द लाइट ऑफ ई कॉमर्स वेंचर, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इवेल्यूएट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इन करंट केस, कुल मिलाकर इस क्वेश्चन के आंसर में क्या आएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके अंदर कोई स्टेप्स आते हैं वो भी आ जाएंगे, और साथ ही में क्या ये कंपनी उसको इंप्लीमेंट कर सकती है,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि जो सप्लाई चेन होती है माल खरीदने से लेकर बेचने तक की, उस पूरी चेन को प्रॉपरली मैनेज करना ताकि कंपनी का प्रॉफिट इंप्रूव हो, कंपनी की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। अच्छा जी, द कंपनी सेल्स दीज गुड्स थ्रू 30 स्टोर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। द स्टोर मैनेजर्स प्लेस ए रिक्वेस्ट टू ई सेंट्रलाइज्ड टीम सिचुएटेड इन मुंबई ऑन मंथली बेसिस। वन स्टोर कैन सेंड ओनली वन रिक्वेरिशन पर मंथ। अच्छा, यहां पर पढ़ने के बाद कुछ लग रहा है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? सोचो जरा, कुछ गड़बड़ है क्या? सोचो, महीने में एक बार हर स्टोर मुंबई के अंदर जो सेंट्रलाइज्ड टीम है उसको एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसके अंदर वो क्या बताता है कि मुझे क्या क्या चाहिए महीने में एक बार। सोचो, अगर ये कंपनी पेन बेचती है और किसी स्टोर पर पेन आज खत्म हो गया है, आज कब आएगा? एक महीने के बाद। क्या सही तरीका ही है, गलत तरीका है? प्रॉब्लम दिख रही है भाई साहब यहीं से। द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोर्स आर फॉरवर्डेड टू प्रोडक्शन प्लानिंग टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट। वंस गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स आर सेंड टू सेंट्रल वेयरहाउस इन मुंबई एंड आर डिस्पैच्ड टू डिफरेंट स्टोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोर रिक्वायरमेंट। द टाइम टेकन फ्रॉम प्लेसिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टोर टू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू स्टोर टेक्स 30-40 डेज ऑन एन एवरेज। बाप रे बाप, 30-40 दिन लगते हैं एक रिक्वेस्ट के ऊपर। यानी कि उसने अगर आज रिक्वेस्ट दी तो माल 30 दिन बाद आएगा, तो क्या कस्टमर इतना रुकेगा? सवाल ही नहीं होता। इन द प्रोसेस द कंपनी प्रोक्योर्स पार्ट्स फ्रॉम मोर देन 100 वेंडर्स। कंपनी में बड़ी प्रॉब्लम भैया। द कंपनी हैज फेस्ड क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज विद मेनी वेंडर्स लीडिंग टू डिले इन प्रोडक्शन। एक और समस्या, यानी कि कंपनी के अंदर तो बड़ी सारी समस्याएं जी। द एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री इन सन इंडस्ट्री इज वेरी हाई एज 45 डेज एज अगेंस्ट एन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 15 डेज। ये भी समस्या है। होल्डिंग पीरियड मतलब आज आपने कुछ माल मंगाया, 45 दिन तक वो रखा रहेगा, उसके बाद बिकेगा। खतरनाक है। सीन्स ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम एट ए स्टोर इज वेरी हाई द कंपनी हैज ट्रेडिशनली अलाउड हाई इन्वेंट्री होल्डिंग टू रिड्यूस स्टॉक आउट एट स्टोर लेवल। अब देखो इन्होंने क्या किया कि भाई माल को आने में समय लगेगा और कस्टमर को वापस हम जाने देना नहीं चाहते। अब कस्टमर को हम वापस जाने देना नहीं चाहते, अब कस्टमर तो वापस जाना नहीं, कस्टमर को वापस जाने देंगे नहीं, तो क्या कर रहे हैं ये? बोलते हैं कि हाई स्टॉक मेंटेन करो। वो तो क्या है, हाई स्टॉक में पैसा फंस गया आपका, चोरी चकारी का भी डर है। कस्टमर तो आपने बचा लिया, बट चोरी चकारी तो हो सकती है ना। द कंपनी इज अंडर सीवियर प्रेशर टू इंप्रूव वर्किंग कैपिटल साइकिल। वो तो होगा ना। अब देखो मैक्सिमम पैसा कहां फंस गया, स्टॉक के अंदर। हाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड एट ईच स्टोर ऑल्सो मीन्स प्रोडक्ट बिकम्स ऑब्सोलीट क्विकली। ये भी एक समस्या है, रखे रखे ही माल बेकार हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक मोबाइल फोन, न्यू एंड अपग्रेडेड वर्जन आर अवेलेबल इन द मार्केट एज अर्ली एज 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल लॉन्च ऑफ ए पर्टिकुलर मॉडल। मोबाइल फोन के अंदर बहुत क्विकली मार्केट चेंज होती है। जो मॉडल आपने आज खरीदा है, हो सकता है जब 6 महीने बाद आप जाओ तो आपको मॉडल मिले ही ना, पॉसिबिलिटी है। ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मोबाइल फोन्स बिकम्स ऑब्सोलीट एवरी ईयर। देख रहे हो आप, अगर मोबाइल फोन ये कंपनी बनाकर बेचती और हर साल अगर मोबाइल फोन ऑब्सोलीट होंगे तो कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा। द कंपनी जनरली रिसोर्ट टू डिस्काउंटेड सेल। अगर माल को बेचने के लिए डिस्काउंट देना पड़ जाए तो ये बहुत ही गलत टेक्निक होती है इन केस ऑफ मोबाइल फोन्स। अब सोचो, अगर 10,000 का फोन ही बेच रहे थे, 8 का इनको पड़ रहा था और डिस्काउंट देकर इन्होंने 7 का बेचा, तो क्या करा, नुकसान कर लिया। द मैनेजमेंट एट सन इलेक्ट्रॉनिक आर हैज आइडेंटिफाइड ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर फास्टर ग्रोथ बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। द कंपनी इज कंसिडरिंग लॉन्च ऑफ इट्स ओन ई कॉमर्स वेबसाइट
टू सेल ऑल प्रोडक्ट विच आर करेंटली हेल्ड करेंटली बींग सोल्ड इन फिजिकल स्टोर. डिपेंडिंग अपॉन सक्सेस ऑफ ऑनलाइन सेल द कंपनी माइट चूज टू ऑप्टिमाइज एंड क्लोज सर्टेन फिजिकल स्टोर इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. देखो जमाना तो बदल ही रहा है, और भी क्या चाहिए, वेबसाइट खोलो माल बेचो, यानी दुकान खोलने की जरूरत नहीं है. वेबसाइट एक सिंबल है आज की डेट में एक अच्छी कंपनी का. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम विल नॉट फिट इन द न्यू ई कॉमर्स बिजनेस. ई कॉमर्स वर्क्स ऑन इन्वेंटरी लाइट मॉडल. ये क्या होता है इन्वेंटरी लाइट मॉडल, क्या होता है मतलब इतनी कम इन्वेंटरी रखो कि आपका माल बिक भी जाए और आपको ज्यादा पैसे उसमें फंसाने भी ना पड़े, इसे बोलते हैं इन्वेंटरी लाइट मॉडल. एंड क्विकली एज वेल एज ऑन टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर. द फैक्ट दैट कस्टमर कुड बी फ्रॉम लोकेशन अदर देन दूस वेयर सन इलेक्ट्रॉनिक्स हैज ए फिजिकल प्रेजेंस मेक्स द मैटर मोर कॉम्प्लेक्स. कुल मिलाकर बात यह है कि इस कंपनी का धंधा करने का तरीका पुराना है, दुकान पर आओ मोबाइल फोन टच करो लेके जाओ. अब इस कंपनी के बहुत सारे स्टोर हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी स्टोर पर अगर माल खत्म हो जाता है तो वो 30 से 40 दिन में उसके पास आता है. कस्टमर क्या इतना वेट करेगा, नहीं करेगा वेट. अब पढ़ते हैं इसका आंसर. सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6. मैंने वही बात लिखी यहां पर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करके बता दी चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, है ना. तो यहां पर करना क्या अपने को, बस ऐसे में एक्सप्लेन करना उसके बेनिफिट को बताना. क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या फायदा होगा, हाँ तो यस फायदा होगा. क्या क्या फायदा होगा बताए थे. नंबर 1 फायदा, बेटर कस्टमर सर्विस. दूसरा बेटर डिलीवरी मैकेनिज्म, क्या होगा डिस्पैचर आते वक्त. इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइज कॉस्ट, बहुत सारे सेंटर बंद कर देंगे, स्टॉक में पैसा फंसाएंगे नहीं, पैसा कम होगा. रिड्यूस इन्वेंटरी, इनहेंस इन्वेंटरी मैनेजमेंट, असिस्ट कंपनी इन मिनिमाइजिंग वेस्ट, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव सप्लायर रिलेशनशिप. एक्सप्लेनेशन, देखो जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसको मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया है बस. सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग, उसमें क्या क्या आता है वो सब वही पॉइंट है. कस्टमर डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो, प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन, कस्टमर ऑर्डर रिटर्न्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, सप्लायर रिलेशनशिप एंड कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, वही पॉइंट एज इट इज लिखने हैं. एप्लीकेबिलिटी, सिंपल सी बात है भैया, अगर ई कॉमर्स को ये चूज करने जा रहे हैं, वेबसाइट ये बनाने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा कैसे करेंगे, फिर बनेगी वेबसाइट और डिलीवरी चालू. तो लो जी बस ये है इसका आंसर. तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका खत्म हो गया. कैसा लगा क्वेश्चन, तो एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसे करना है, वर्ड टू वर्ड मैच करने की रिक्वायरमेंट कोई आपकी है नहीं. बस रिक्वायरमेंट को पढ़ो, क्वेश्चन कहां से है सोचो, क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व कर दो. अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम. 13.26 पर है वैसे तो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं. कैसे रूप में, होमवर्क के रूप में. आपको करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, सोचना है क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे, और कोशिश करनी है सॉल्व करने की. स्टडी मैट का आंसर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है. उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूट्यूब वीडियो सीरीज में मजा आ रहा है. चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर. थैंक यू. और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए. चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर. थैंक यू.